नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बीएसटीसी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर चुके थे, आज हम बीएसटीसी के राजस्थान जीके में प्रजामंडल की क्लास चालू करने वाले हैं। आज से हम प्रजामंडल पढ़ेंगे आज, लेकिन कल से राजस्थान की भूगोल पढ़ी जाएगी। राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार से कल से स्टेटिक वाइज से चर्चा की जाएंगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रजामंडल। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 19 प्रजामंडल रटवा दूंगा। तो जैसे तीज का त्योहार था, तीज का त्योहार था, राष्ट्रीय पोशाक कोट पहननी थी, पोशाक कोट पहननी थी, कोट को कौन ले गया, धोबी, धोबी कहाँ ले गया, मेवाड़, मेवाड़पुरा, पुरा, जिसके बाद में किसमें डाल दिया, वॉशिंग मशीन में। तो तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर और बूंदी की, जयपुर बूंदी। राष्ट्रीय पोशाक कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की, इधर कोटा, कोट से कोटा, धो से धौलपुर, धोबी से धो से धौलपुर, बी से बीकानेर, मेवाड़ से उदयपुर। मेवाड़, मेवाड़ प्रदेश होता है अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर, और इसमें सिरोही, करौली और एक किशनगढ़। तो इसमें कोड रहेंगे 193 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
दो दुनी चार, दो तिया छः, दो चौको आठ, दो पंजे होते दस है लेकिन यहाँ नौ लेते, जयपुर, जयपुर से याद आएगा आपको जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कपूरचंद पाटनी। बूंदी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किए कांतिलाल चौथानी। जोधपुर, जोधपुर में जय होती है जय नारायण व्यास और भंवरलाल नेहरू, तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की जय नारायण व्यास और भंवरलाल। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना की पंडित नेनुराम शर्मा, नेनुराम शर्मा और अभिन्न आर्य। धौलपुर, धौलपुर की धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कृष्णदत्त पाली, बी
बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की मगराम बेद। अब उदयपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की बलवंत राय मेहता। अलवर, अलवर से याद रखना लवर, लवर कौन थे कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान का पर्यायवाची कुंजबिहारी। तो अलवर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की कुंजबिहारी। भरतपुर, भरतपुर प्रजा मंडल में आप ऐसे रखना कि भरतपुर में गोपी किशन फिल्म बनी हुई है, तो भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गोपी गोपीलाल किशनलाल। और सिरोही, सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की गोकुल भाई भट्ट। करौली, करौली प्रजा मंडल की स्थापना की त्रिलोचन माथुर। किसानगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना की कांतिलाल चौथानी। इधर पुरा और रह गया, उसको मैं नीचे लिखता हूँ। पुरा से है शाहपुरा, शाहपुरा प्रजा मंडल की स्थापना की गई 1938 में, किसके द्वारा, रमेश चंद ओझा। तेरा प्रजा मंडल मैंने आपको बता दिए, अब रहे छह प्रजा मंडल। छह प्रजा मंडल हम इस ट्रिक से ज्ञात करेंगे, ट्रिक जैसे कि झालारूपी प्रताप, प्रताप बांसवाड़ा में, डांगर इतनी कुशलता से चलाता है, जैसे हल्दी घाटी में प्रताप में पता। तो झांसे झालावाड़, झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई 194। इसमें 194 सब नहीं रखे, 196 1946 झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई मांगीलाल द्वारा, मांगीलाल। झालारूपी प्रताप, प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई 1945 में, किसके द्वारा की गई, चुन्नीलाल, चुन्नीलाल और अमृतलाल। फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजा मंडल की भी स्थापना 1945 में की गई, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना 1945 में की गई, किसके द्वारा की गई, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। फिर आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1944 में
भोगीलाल पांड्या के द्वारा कर रहे। फिर आएगा कुशल, कुशलता से कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम, तथा कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई। फिर जैसे जैसे से जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई 1945 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई बीठालाल व्यास के द्वारा। इस प्रकार आपके 19 प्रजामंडल पूरे हुए। और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल देव चौधरी की पाठशाला को। और कल से हम पढ़ेंगे राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, और राजस्थान के भूगोल टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।